ताकि आप लोगों को पता चल सके की ये बीमारी क्या है कैसे शुरू होती है उसके चिन्ह क्या होते हैं क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या होते हैं फिर डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं क्यों स्पेशल टेस्ट करने जरूरी है उसके बाद हम कैसे स्टेजिंग करते हैं स्टेजिंग करने के बाद में क्या क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं उसके बाद आज के आज के इस दौर पे प्रिसिजन मेडिसिन का क्या रोल है सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू डिलीवर दिस सेशन सो व्हाट इज सार्कोमा सार्कोमा इज कमिंग फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस फ्लैशी जो ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं फ्लैशी इट कैन बी आइदर कमिंग फ्रॉम अ बोनी लीजन और फ्रॉम अ सॉफ्ट टिश्यू लीजन तो अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा बहुत बहुत ही रेयर है मतलब लेस देन वन परसेंट ऑफ जितने भी अडल्ट कैंसर देखते हैं आप उसमें से सिर्फ वन प्रतिशत है तो आप सोच सकते हो ये कितना रेयर है और ये आज जो हम ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग आज होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे थैंक्स टू मिसेस राशि दैट शी टेकन सच अ बिग स्टेप एंड हेल्प फॉर दिस सचिन केयर सोसाइटी टू ग्रो सो दैट ऑल ऑफ यू हु आर हैविंग दिस रेयर कैंसर आर कमिंग टुगेदर टू नो अबाउट इट सो दैट पीपल नो मोर एंड मोर अबाउट इट एंड दे आर एबल टू हेल्प ईच अदर आउट इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन सो इट इनकम पासिस मोर देन सिक्सटी हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स जिसके अलग अलग तरीके के क्लिनिकल प्रोफाइल हैं थेरेपी अलग अलग दी जाती है सबकी अलग नहीं सबकी एक ही जैसे नहीं होती है और सबके प्रोग्नोसिस भी अलग होते हैं मतलब ट्रीटमेंट पे जो असर हम जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उस पर कितना फायदा होता है वो हर सब टाइप के हिसाब से डिपेंड करता है तो आप अपना कंपेयर नहीं कर सकते हो कि मेरा ऐसा था तो दूसरा का ऐसे हुआ ट्रीटमेंट ऐसे मिली मुझे मैं क्यों ने रिस्पॉन्ड किया तो ये सब आपके हिस्टोलॉजिकल सब टाइप पे डिपेंड करता है और सार्कोमा जो है फिफ्टी परसेंट तक क्योरेटिव होता है मतलब जड़ से हम निकाल सकते हैं यही हमारी हमेशा उम्मीद रहती है कि हम फिफ्टी परसेंट तक निकाल लें लेकिन कभी कभी फिफ्टी परसेंट ऐसे भी होते हैं जो मेटास्टेटिक पे चल जाते हैं जिसपे हमें प्रोग्रेशन को कंट्रोल करना होता है और जो बहुत ही एडवांस स्टेज पे होते हैं उनका प्रोग्रेसिवीर है। वही मतलब ट्रीटमेंट जो है उसमें हमारे ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड होते हैं कंपेयर टू क्योरेटिव

अभी ग्रुप में हम कितने अभी आए हैं अराउंड थर्टी सिक्स तो आप सब जानोगे आप किसी ना किसी टाइप के आ, सब टाइप में फिट फिट होते हैं हो. तो यहाँ पे है कि मोर देन फिफ्टी परसेंट है लेकिन सबसे कॉमन देखोगे तो लाइपोसार्कोमा है उसके बाद लायोमायोमा लायोमायोसार्कोमा फिर ये देख रहे हो अनडिफ्रेंशिएटेड प्लियोम जिस्ट के बहुत सारे हैं साइनोवियल सार्कोमा के बहुत हैं ये मिक्सो तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पाई चार्ट में दिस इज मोर ऑफ दी एडल्ट्स बच्चों के बारे में मैं आऊंगी दूसरे वाले स्लाइड में तो ये और ग्रेटर देन फिफ्टी परसेंट आप देख रहे हो थर्टी थ्री परसेंट उसमें सिर्फ एक 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 परसेंट का होगा जो मैं आऊंगी आगे के स्लाइड्स में तो ये स्लाइड्स बस ये दिखाती है आपको कि कौन कौन से जो सार्कोमाज हैं वो ज्यादा कॉमन है और ये साइट के हिसाब से देखोगे तो सबसे कॉमन है नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब आपके पैरों के उधर में सबसे कॉमन फिर विसरल मतलब पेट के यहाँ कोई ऑर्गन के उधर पेट रेट्रोपेरिटोनियल डिस्मॉइड हो गया आपका जिस्ट हो गया एंट्राबडोमल हो गई वन सेकेंड और ये अपर एक्सट्रीमिटी में बाद में फिर ट्रंक में तो इट कैन अकर एट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी सो दिस स्लाइड यू आर आर द द साइट्स एंड सब टाइप्स अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर की दिख रही है दिस शोज विसरल मतलब कोई भी आपके अंदरूनी अंगों में जो पाई जाती है और दूसरी चीज है जो ये ब्लू ब्लू कलर का देख रहे हो सबसे कॉमन कलर आपको जो यहाँ दिख रहा है यहाँ पे दैट इज ब्लू सो दैट इज योर एक्सट्रीमिटी जो मैंने पिछले वाले चार्ट में आपको दिखाया था सबसे कॉमन साइट होता है आपके एक्सट्रीमिटी मतलब आपके पैर हाथ एक्स एंड में सबसे कॉमन होती है और ये जो जिस्ट यहाँ बहुत सारे पेशेंट जिस्ट के भी होंगे जो यहाँ पे विसरल मतलब अंदरूनी पेट के अंदर से होता है या तो वो स्टमक में होता है या फिर जैजुनम इलियम या फिर अंदर लिम्फ नोड्स में होती है कभी कभी रेट्रोपेरिटोनियल में तो यहाँ पे देख रहे हो आप कितने सारे हैं टाइप्स क्लियर सेल हो गया ए हो गया ये डेस्मोप्लास्टिक राउंड सेल ट्यूमर हो गया जो पीनट इविंग्स पेशेंट है उसमें आप देखते हो ये ब्लू कलर सबसे ज्यादा है मतलब एक्सट्रीमिटी में है एंजियोसार्कोमा थोड़ा रेयर होता है और भी रेयर होती है फाइब्रोसार्कोमा है एमपीएस सब तो ये प्रिडोमटली द कलर दैट यू आर सीइंग इज ब्लू हेयर Which denotes extremity here, and the orange that you're seeing is visceral. So, orange, if you see, is just liposarcoma, de differentiated, lyomyosarcoma, then there are others. So, this is again showing you where and all these lumps and bumps can come in. So, what are the clinical features? You may have a swelling anywhere in your body, there may be pain, depending upon where the swelling is and the compression is there, you may have pain. कॉफ में आकर इिंग इन साइड योर लंग सो दैट मे प्रथ कॉफ अब पेन वेन द स्वेलिंग इज इन योर रैपोमिनट इज कम्प्रेसिंग एनी ऑफ योर वाइटल स्ट्रक्चर एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स विल कम किसी किसी को फीवर होगा वेट लॉस होगी खाने का मन, मन नहीं करेगा बुखार आने लग सकती है इविंग्स में किसी किसी को होता है तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स और अगर पेशेंट को जैसे जिस्ट के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनके जो लीजन है जिस्ट की लीजिए में था या स्टमक में था, तो उनको बहुत ब्लड लॉस होता है टॉयलेट के रास्ते में सो दे प्रेजेंट विथ एनीमिया, सो दीज आर द वेरी कॉमन क्लिनिकल फीचर्स विथ वॉट द पेशेंट्स विल प्रेजेंट अब अब एज वाइज देखोगे आप तो यहाँ पे देखेंगे कि कहीं से भी आप देख रहे हो दस से यहाँ पे अस्सी साल का मेजोरिटी उसमें देखोगे आप जो मेजोरिटी आपकी दिख रही है यहाँ पे आपके दस साल से ऊपर और यहाँ पे देखेंगे सिक्सटी तक में आपका जाता है मैक्सिमम तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एजेस तो इसलिए नेक्स्ट स्लाइड जो है यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पीडियाट्रिक में पीडियाट्रिक में जो ये है जीरो टू नाइनटीन में रेपडोमायोसार्कोमा बहुत कॉमन है बट वाले में लायोमायोसार्कोमा लाइपोसार्कोमा कोपोसी सार्कोमा ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू तो सो दिस so, इज चिल्ड्रन में थोड़ी से अलग होती है और अडल्ट में थोड़े अलग होते हैं फाइब्रोमेटोसिस ज्यादा अडल्ट में होंगे लायोमायोसार्कोमा लाइपोसार्कोमापोसी सार्कोमा एमपीएनएस टी साइनोवियल सार्कोमा ये सब अडल्ट में ज्यादा पाई जाती है कंपेयर टू यंग वंस मतलब नाइनटीन ईयर्स के कम में अब हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या से प्रेजेंट हो सकता है स्वेलिंग पेन और जहां पे आपका स्वेलिंग है उसके हिसाब के आपके, आपके सिम्टम्स होंगे तो वो हिस्ट्री से पता चलेगी एग्जामिनेशन में हमें पता चलता है कि कौन से अंग में है जैसे इविंग सारकोमा हो गया ऑस्टोसारकोमा हो गई आपके नी रीजन में प्रेजेंट करेगी जो स्वेलिंग होती है या फिर आपके पैरों में कहीं पे स्वेलिंग आ जाती है हाथों में कहीं पे स्वेलिंग आ जाती है तो एग्जामिनेशन हमें बॉटम तीन से चार सार्कोमास के लिए हेल्प करता है कि ये ये होने के चांसेस हैं। उसके बाद हम कंफर्म कैसे करते हैं पहले हम कराते हैं इमेजिंग तो द साइट स्पेसिफिक स्टेजिंग की वो लोकलाइज है या स्टेज फोर कहीं और फैल गया है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस जहां फैलता है लंग्स उसके बाद मॉलिकुलर सब टाइपिंग जो हम ये स्पेशल फिश एनालिसिस भेजते हैं मोलिकुलर एनजीएस भेजते हैं जो हम बाहर भेजते हैं ये सारे स्पेशल टेस्ट आपके ट्रांसलोकेशन देखने के लिए ये होती है हमें कंफर्म करने के लिए कि कौन सा आपको सार्कोमा है नेक्स्ट होता है हमने वंस वी हैव एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस वील हैव टू गिव यू थेरेपी नाउ बिफोर स्टार्टिंग द थेरेपी वी नीड टू सी इफ यू आर फिट और नो सो दीज आर द बेस लाइन ब्लड टेस्ट एक आपका हीमोग्लोबिन देखेंगे हीमोग्लोबिन देखेंगे आपका आपके किडनी टेस्ट कैसे हैं लिवर फंक्शन टेस्ट कैसे हैं आपका हार्ट कैसा अगर कीमो आपको मिलना है तो आपका हार्ट फिट है कि नहीं आपके लंग फंक्शन ठीक है कि नहीं एंड स्पेशली पेशेंट्स यंग पेशेंट्स हु आर हैविंग इंटेंसिव कीमोथेरेपी जैसे एविंग के हो गए हम प्रिजर्वेशन कराते हैं क्योंकि क्योरेटिव इंटेंट में बाद में जब उनको बच्चे पैदा करने Uh, करनी होगी तो कीमोथेरेपी जो हम देते हैं उससे उनकी वो शक्ति कम हो जाती है वो अफेक्ट करता है उनके पे सो दैट वेन आर फिनिश्ड विध योर थेरेपी यू मे बी एबल टू कंसीव लेटर सो दिस इज जनरली द फ्लो चार्ट दैट वी फॉलो वेन अ पेशेंट ऑफ सार्कोमा कम्स ना यू सी यिस इफ यू सी नॉर्मली देखोगे आप तो सिर्फ पिंक और पर्पल लग रहा है ये पूरा लेकिन अंदर जाके अंदर जाके देखोगे तो ये लाइपोसार्कोमा की पिक्चर है ये इविंग्स की सार की पिक्चर है ये डेस्मोप्लास्टिक की पिक्चर है साइनोवेल की पिक्चर है ए की पिक्चर है रेप्डोमायोसार्कोमा की है ये फाइब्रोमेटोसिस की तो आप देख रहे हो हर का एक पैथोलॉजी रिपोर्ट अलग होता है स्पेशलिस्ट टू सी ऑल ऑफ दिस बायोप्सी रिपोर्ट इट्स नॉट वेरी सिंपल हु इज वेरी उट uh, किस तरह का सारकोमा आप देख रहे हो यहाँ तो मैंने कितने चार बारह सोलह ही दिखाए हैं आपको और साठ के ऊपर होती है ऐसे सार्कोमा के टाइप तो इसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए ये देखने के लिए कि कौन सा है फिर यहाँ पे जो स्पेशल टेस्ट है ये आप देखोगे इविंग सार्कोमा का एक फिश एनालिसिस किया हुआ है तो बहुत को पता होगा हम बाहर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं ट्रांसलोकेशन देखने के लिए भेजते हैं इविंग सार्कोमा का हो गया साइनोवेल सार्कोमा की एक्स एटीन होती है तो जब भी कभी कंफ्यूजन होता है जब पैथोलॉजी रिपोर्ट हमें हंड्रेड परसेंट नहीं बता सकती है कि कौन सा है हम हमेशा स्पेशल मॉलिकुलर प्रोफाइलिंग करते हैं जिससे ट्रांसलोकेशन पता हो क्योंकि हर एक सार्कोमा का अलग अलग है जैसे यहाँ पे आ, इविंग्स का इलेवन ट्वेंटी हो गया आ, आपका आ, इसका साइनोवेल सार्कोमा की एक्स आ, 18 हो गई डेस्मोप्लास्टिक ग्राउंड सेल की भी इलेवन ट्वेंटी हो गई लेकिन उसमें हम मॉलिकुलर टाइपिंग्स उसमें देखते हैं सो दिस इज व्हाट इज स्पेशलिटी हु आर एक्सपर्ट इन इट नीड टू सी इट टू मेक अ डायग्नोसिस अब ये मॉलिकुलर एनालिसिस देखो यहाँ पे तो देखेंगे कितने तरह के मैंने आपको बताए हैं जो कॉमन मानस आई शोन यू देयर इन फ्रंट सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर एनालिसिस दैट वी डू द मोस्ट कॉमन विच आई टोल्ड यू ट्रांसलोकेशन जिसका डेस्मोप्लास्टिक ये है आपका एविंग सार्कोमा साइनोवेल सार्कोमा तो इसमें एक्स एटीन जैसे बताया 1122 बताया इसमें डोरमेटो फाइब्रो सार्कोमा प्रोट्यूबरेंस जिसका 1722 होता है जिस्ट का पता है आपको हमें किट कराना है पी कराना है एस कराना है क्योंकि उसके इट हैज अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशन ऑन द ट्रीटमेंट डेट वी गिव फिर यहाँ पे एम पी हो गया पिकोमास हो गया तो अब दिस मॉलिकुलर एनालिसिस डेस्मॉइड हो गई जो फाइब्रोमोटोसिस के पेशेंट है उसमें हम बीटा कैटन इन और जिनका फैमिली हिस्ट्री रही है जिसमें पेट का रहता है तो एपीसी जीन एनालिसिस कराते हैं यहाँ पे आप देखोगे डीडिफ्रेंशिएटेड लाइपो सार्कोमा में एम डी एम टू सो ये थोड़ा तो आपको इतने ज्यादा हो रहा है जो मैं बता रही हूँ बट आई जस्ट वॉन्ट टू एम्फोसिस हियर दैट ई सार्कोमा हैज डिफरेंट मॉलिकुलर मेकअप विच वी नीड टू फाइंड आउट सो हैज टू द राइट ट्रीटमेंट टू बी एडमिनिस्टर्ड सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग द मॉलिकुलर एनालिसिस बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर एंटिटी विच वी आर डीलिंग विद एनालिस We won't be able to give you the right treatment. And some patients, they evolve over time. So, that's why it is important to get a biopsy done, to get it checked by an expert. And if there is a confusion, go ahead and do a molecular analysis. It is recommended to do molecular analysis for every patient because it has a lot of implication on the treatment we do. Now, हम, मैंने आपको बताया हम कैसे डायग्नोस कर रहे हैं अब डायग्नोस करके हमने सा ट्रीटमेंट पहले देना है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेजिंग यहाँ पे आई है लोकली एडवांस मतलब थोड़ा सा जैसे नी के आसपास से थोड़ा आधे बढ़ गया है थोड़ा ऊपर की तरफ उसका ट्यूमर बढ़ा हुआ है मेटास्टैटिक मतलब वो स्टेज फोर हो जाता है मतलब वो लंग्स जहां पे ओरिजिन है उससे कहीं और चला जाता है वाई दिस इज इम्पोर्टेंट इज दैट्स हाउ वी विल गो अहेड विद द ट्रीटमेंट सो वॉट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल वॉट आर द मोडेलिटीज या तो आप सर्जरी करके सर्जरी करके निकालते हैं फिर हम एडेंट कीमोथेरेपी देते हैं या रेडियोथेरेपी और इविंग सार्कोमा में आपको पता है कि हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं फिर सर्जरी आरटी करते हैं फिर कीमोथेरेपी देते हैं सो एवरी सार्कोमा हैज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल दैट वी फॉलो एंड दीज आर द मोडलिटीज बाई विच ट्रीट द सार्कोमा पेशेंट्स दैट इज बाय सर्जरी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी एंड टुडे वी आर डेवलपिंग अ लॉट ऑफ टारगेटेड थेरेपीज दैट इज ओरल इम्यूनो

सर्जरी हो जाती है तो आर जीरो रिसेक्शन मतलब माइक्रोस्कोपिक में भी वो मार्जिन जो होते हैं वो निकाल सकते हैं फिर रेडियोथेरेपी का हम डिसीजन लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका मॉल ट्यूमर का स्टेटस क्या है और कीमोथेरेपी जैसे मैंने बताया ऑस्ट्रोसार्कोमा में इविंग सार्कोमा में हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं फिर सर्जरी करते हैं फिर उसके बाद रेडिएशन का कॉल लेते हैं फिर से कीमोथेरेपी देते हैं सो ईच ऑफ द सार्कोमा हैज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ थेरेपी दैट वी फॉलो सबका एक ही जैसे नहीं होता है किसी किसी पेशेंट्स में हम बस ऑब्जर्वेशन में रखते हैं जैसे फाइब्रोमोटोसिस का है एवरी पेशेंट डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट वी हैव टू कीप देम ऑन वो भी एक फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है तो ईच सार्कोमा इज डिफरेंट एंड ईच वन हैज टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो हमारी इनिशियल थेरेपी क्या बेस्ड होती है सबसे कॉमन होता है देखने के लिए कि डॉक्सोरोबिसिन जो एंथ्रासाइक्लिन है वो सेंसिटिव है कि नहीं तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिस्ट इतने सारे जो एंथ्रासाइक्लिन सेंसिटिव हैं उसमें हम लाइपो लियो एपिकुलर सार्क जो इनिशियल वाले हैं दी, दीज आर द सेंसिटिव हिस्टोलॉजीज इसमें भी आप देखोगे कितने सारे हैं एंथ्रासाइक्लिन सेंसिटिव और इसमें रेजिस्टेंट है एंथ्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मतलब हम इसमें वो डॉक्सोरोन वाली कीमोथेरेपी यूज नहीं कर सकते हैं तो ये जो पेशेंट्स होते हैं इसमें हम दूसरा देते हैं जैसे ए में हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं डर्माटोफाइब्रोसार्को में इमेट देते हैं जैन ट्यूमर में हम तो ये सब में हम कीमोथेरेपी नहीं देते हैं पिकोमा में एमटोर एनिबेटर्स देते हैं सो वॉट आई एम ट्राइंग टू एम्फोसाइजर इज ईच ऑफ दिस हिस्टोलॉजी इज ट्रीटेड इन अ डिफरेंट मैनर and then we always segregate this whether they are chemo sensitive or they are not chemo sensitive. that is why it is essential to make the right diagnosis. अगर हमने पहला इनिशियल थेरेपी दे दिया उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में अगर प्रोग्रेशन हो जाती जैसे मेटास्टैटिक स्टेज में प्रोग्रेशन हो गई तो फिर ये सारे ऑप्शंस हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे मैंने एक पेजोमेनिप का नाम नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ सारे कीमोथेरेपी के नाम लिखे हैं तो एरिबुलिन ये सब पोस्ट प्रोग्रेशन देते हैं एक लाइन जब खत्म होती है तो दूसरे लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन ऐसे देते हैं और यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी पहले स्पेसिफिक बोन सार्कोमा के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं तो यहां देखोगे आप वैक वैक डोसडेंस थेरेपी ये इविंग्स का हो गया ये आप दो देखते हो होस्टोसार्कोमा में देते हैं जिसमें हाइड्रोसमीथोट्रक्सीड भी दी जाती है और का जब progression हो जाता है तो हम टेमेरी आ, प्रोटोकॉल लेते हैं। तो हम हैं जैसे मैंने पहले बताया था मोलिकुलर टाइपिंग जरूरी है? तो अगर आप ये picture पे देखो एवरी वन इज ग्रे एवरी वन इज दैट इज द एंटायर पॉपुलेशन अगर इसमें देखेंगे तो हम जब मॉलिकुलर थेरेपी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ब्लू वाले की मोलिकुलर प्रोफाइल एक है यहाँ येलो वाले की मोलिकुलर प्रोफाइल एक है ये ग्रीन वाले के मोलिकुलर प्रोफाइल एक है तो उसके हिसाब से दवाई होती है तो जो मॉलिकुलर प्रोफाइल है उसके हिसाब से हम दवाई दे, वाले को उससे दे रहे थे ऑरेंज वाले को उसके डिरेक्टेड थेरेपी दे रहे हैं राधर देन वन थेरेपी फॉर एवरी वन वी आर पर्सनलाइजिंग दिस अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्युलर प्रोफाइल ग्रीन वाले को उसी डिरेक्टेड थेरेपी दे रहे सो दिस इज हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग इन टूडेज

पहले ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं उसके बाद नहीं प्रोग्रेस नहीं इंप्रूव हो रही है तो फिर सोराफिन पे डालेंगे उस पर अगर प्रोग्रेस हो रही है दिस इज समथिंग के रिलेटेड दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी रेयर लेकिन आज वी आर प्रोग्रेसिंग दिस मच इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एन टी के रिलेटेड उसके लिए कुछ स्पेशल ड्रग्स हैं दैट वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम यूएस है है। जिसमें यूज़ यूज़ करते हैं। हैं जो में यूज किया जाता तो जैसे मैंने इस वाले में बताया था तो मॉलिक्यूल के हिसाब से हम दवाई दे रहे हैं पर्सनलाइज मेडिसिन तो जो सार्कोमा में दैट इज अवेलेबल टूडे इन एरा वी विल बी एबल टू ऑफर यू दैट मेडिसिन डिपेंडिंग अपॉन योर मॉलिक्यूलर प्रोफाइल So this molecular typing is essential. एक के तो के लिए देखने के लिए देखने कि कि आपका है नहीं और कुछ कुछ मार्कर्स होते हैं ऐसा नहीं कि हम हर जो मोलिकुलर प्रोफाइल हमें मिल रही है उसके अगेंस्ट में थेरेपी दे सकते हैं उसके अलग अलग यूजेस हैं मोलिकुलर टाइपिंग करने के लिए तो हम अब आते हैं हम जब थेरेपी देते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो पहला ये जो स्लाइड दिखाती है कीमोथेरेपी का है तो कीमोथेरेपी के दौरान हमें साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं कीमोथेरेपी जब ट्रीटमेंट ले रहे हैं थोड़े बाद में होते हैं और कुछ कुछ होते हैं जो महीनों सालों के बाद हमें लेट साइड इफेक्ट्स हो सकती हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो इमीडिएट होती है या फिर डिलेड एक दो हफ्ते के अंदर में होती है टू एड्रेस दो तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सबसे कॉमन रहता है जब कीमोथेरेपी लग रही है कि मुझे नोजिया हो रहा है मुझे वॉमिटिंग हो रही है खाने का मन नहीं कर रहा है ये मेरे बाल झड़ जा रहे हैं मुंह में छाले हो रखे हैं दस्त हो रखे हैं या फिर पेट का पाचन ठीक से नहीं हो रहा है और जो पेशेंट्स टीके आईज पे हैं पैसो पे हैं या फिर सुन्ने पे हैं उनको बोलेंगे कि रैसेज हो रहे हैं किसी किसी को लगता है सोने टिन पे जो है उनके स्किन कलर चेंज हो रही है येलो हो रहे हैं ऐसे कहते हैं और ऐसे टीके आईज हैं जिनके लिए लगता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही है फिर ये जैसे मैंने पहले बताया था तो जीआई प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है किसी किसी को किसी किसी को डायरिया भी होता है बाल झड़ जाते हैं और लेट जो साइड इफेक्ट्स है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इसलिए मैंने जो पहले बताया हम क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए बोलते हैं उनको जो कीमोथेरेपी पे हैं फिर पल्मोनरी कार्डियक इसीलिए हम ये सब टेस्ट करते हैं कि आपको ज्यादा साइड इफेक्ट ना हो बाद में एंड वी कैन डू सम प्रिवेंटिव मेशर्स सो दैट यू कैन स्टॉप दोस साइड इफेक्ट्स और डिले इट सो दिस इज द चार्ट इफ यू कैन सी इज दोस हु आर अंडरगोइंग कीमोथेरेपी नाउ वी ऑलवेज टेल टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन व्हाई डू वी गेट अ ब्लड टेस्ट डन द मोस्ट कॉमन इज माइलो सेपरेशन मतलब जो ब्लड है आपका में मेन थ्री कॉम्पोनेंट्स है एक हीमोग्लोबिन है जो रेड ब्लड सेल है एक व्हाइट ब्लड सेल है जो आपकी अः uh, इन्फेक्शन को लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और प्लेटलेट्स है जो आपका खून जमाता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो करता है वो है डब्ल्यू सबसे ऊपर जो कम हो जाती है जिसके वजह से बुखार आता है मुंह में छाले दस्त अलग अलग इंफेक्शन होंगे तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे यहाँ पे जो नाडिर दिखाता है कुछ कुछ कीमोथेरेपी अगर हमने इस दिन दी तो ये बीच में जो है चौदह दिन के लगभग में चौदह दिन में के लगभग में ये वाली कीमोथेरेपी आपके काउंट्स को बहुत ज्यादा कम कर देगी तो रेजिमेंट बी वाले मतलब दूसरे वाले कीमोथेरेपी में थोड़ा सा देर में कर सकती है रेजिमेंट सी में इवन 21 दिन के बाद कर सकती है तो हर कीमोथेरेपी का अलग अलग नाडिर होता है मतलब आपके काउंट सबसे ज्यादा कम होने का टाइम पॉइंट अलग अलग होता है अलग अलग कीमोथेरेपी के साथ तो हम जो जी देते हैं आपको ये वाला नाडिर होने नहीं देते हैं आपका तो वो एक मिनिमल लेवल पे रहता है सो दैट यू डोंट गेट द काउंट्स टू लो सो दैट यू आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन तो दिस जी सी एस एफ हेल्प यू में काउंट्स एट सर्टन लेवल सो दैट यू डो नॉट है

हेक्सीडीन माउथ वॉश करो कुछ गार्गल्स आपको बोलते हैं करने के लिए जब वो ग्रेड फोर हो जाता है और जब खाने ग्रेड थ्री और फोर हो जाता है कि बिल्कुल ही नहीं खा सकते हैं, तब आपको आईवी इंजेक्शन एडमिशंस की जरूरत पड़ सकती है सो दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स टू नो सो दैट अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन तो ये है कुछ कुछ की आपको खाने पीने का ध्यान रखना होगा साफ सफाई बरतनी पड़ेगी आपको बिल्कुल स्पाइसी वाले चीजें अवॉइड करनी है ये सब चीजें करनी पड़ती हैं जब म्यूकोसाइटिस हो रहा होता है सो दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स आई आई हैव हैव हाईलाइटेड एंड टोल्ड यू दैट देयर कैन बी लेट साइड इफेक्ट विच है एक तो हेयर uh, लॉस होता है बट कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद दैट कम्स बैक टू एंड ऑल्सो देन यू हैव अ रिप्रोडक्टिव साइड इफेक्ट यू मे है

for this uh, insightful presentation i would say bahut hi bahut sari baatein hum sabko nayi nayi janne ko mili related to the reproductive health and the long term side effects short term side effects bahut sare concerns hote hain generally hum uh, sabhi patients ke that i can understand uh, and i would uh, request everyone aap sabhi se request hai ki one by one uh,